2009 में जब ब्रिक्स की पहली समिट आयोजित की गई थी तब विश्व एक बड़े आर्थिक संकट से बाहर आ रहा था। उस समय ब्रिक्स वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक आशा की किरण के रूप में उभरा था। वर्तमान समय में भी कोविड महामारी, तनावों और विवादों के बीच विश्व आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे समय में ब्रिक्स देशों के एक बार फिर महत्वपूर्ण भूमिका है। फ्रेंड्स, वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल पुथल के बावजूद भारत आज विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। जल्द ही भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा। इस बात में कोई संदेह नहीं कि आने वाले वर्षों में भारत विश्व का ग्रोथ इंजन होगा। यह इसलिए है क्योंकि भारत ने आपदा और मुश्किलों के समय को आर्थिक सुधार के अवसर में परिवर्तित किया। पिछले कुछ वर्षों में हमने मिशन मोड में जो रिफॉर्म्स किए हैं उनसे भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लगातार बढ़ोतरी हुई है। हमने कंप्लायंस बर्डन को कम किया है, रेड टेप को हटाकर रेड कारपेट बिछा रहे हैं। जीएसटी और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के लागू होने से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ा है। रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्र जिनको प्रतिबंधित माना जाता था आज प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिए गए हैं। हमने पब्लिक सर्विस डिलीवरी और गुड गवर्नेंस पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से भारत ने फाइनेंशियल इंक्लूजन की और एक बड़ी छलांग लगाई है। इसका सबसे अधिक लाभ हमारी ग्रामीण महिलाओं को मिला है।